हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, मैं मोहित आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस ब्लॉग में, जिसमें हम सभी मिलकर दीप तरुण द्वारा मनाए जाने वाले इस उत्सव पधारो जी को रिलीव करेंगे। आप सभी ने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा ही होगा कि ये उत्सव क्यों मनाया जाता है दीप तरुण द्वारा, और अब इस पार्ट में हम उसके आगे का सफ़र तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आप सभी को एक सजेशन दूंगा कि आप प्लीज़ हेडफोन्स यूज़ कर लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। सो थैंक यू, चलिए स्टार्ट करते हैं। Thank you.
Thank you.
तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगी जी का और दीप्ति का। नहीं, अगर वो ये ना कहती ना, सच्ची बता रही हूँ, उसको बोल दिया था मैंने कि वो आपके स्टूडेंट है तो मैं उन्हें आई डोंट नो दैट बिकॉज यू आर I did not question you at all. That is enough for me, you know, to honor. It's your faith and your... I have so much admiration for you and he's a wonderful dancer, wonderful group, wonderful choreographer, everything. So you people are very happy. जुड़े ये सब उत्साह से ही आता है, अंदर एक ऊर्जा होती है, स्पेशल एनर्जी जो सब में नहीं होती और जिसमें होती है वो बड़ा उसको आशीर्वाद है ईश्वर। इस तरह से ऊर्जा है, एनर्जी है कि मैं करूँ, सो दैट इज समथिंग आई एडमायर अबाउट वेरी हैप्पी टू बी हियर। और आप बताओ, आपने क्या कुछ पूछना है जिससे क्या आपको जानने से क्या जानना चाहते? जैसे मतलब हमने देखा है ओडिसी काफी ग्रेसफुली होया है, तो मतलब एक आपका ऐसा कोई पीस जो आपने बनाया हो एकदम, मतलब एक आर्टिस्ट का जो लाइफ स्टाइल होता है उसमें ऐसा कई बार होता है कि एक आर्टिस्ट को क्रिएटिव ब्लॉक जो है वो हो जाता है, तो ऐसा मतलब क्या आपके साथ कभी हुआ, तो आपने उसको कैसे? देखिए, आर्टिस्टिक ब्लॉक तो है ही, पहले ब्लॉक ही होता है उसको तोड़ना पड़ता है, उस ब्लॉक को तोड़ना है, ये हमारा काम है। क्योंकि पहले तो सामने आके दीवार ही है और कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप संगीत बना लेते हैं, पहले ये कह सकते हैं भाई ग्रुप बना ले, कुछ इस तरह का भाव है, इस तरह की थीम है, ये शब्द हैं, ये लिरिक्स हैं, इन पे कुछ बनाओ और आइडिया दे देते हैं म्यूजिशियन को। ये भी एक शुरुआत है, कभी आप खुद शुरुआत कर लेते हैं कि मेरा ये विचार है, मैं इसके बाद ही करूँ, उसके बाद ही करूँ और इस तरह इसको जोड़ूँ, जो भी थीम हो वो तो दिमाग में थीम होती है ना, बिना थीम के तो हम नहीं चलते। प्योर डांस की अलग बात है, प्योर डांस में भी एक्चुअली विदाउट थीम नहीं चलता गुरु, अगर आप इनसे पूछे ना तो ये प्योर डांस में भी कुछ रखते हैं अपने दिमाग में कि इस उपज के साथ मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। हर एक का बीज एक नहीं होता, हर कंपोजिशन का बीज अलग होता है, तो वो बीज में से डाला है और उसमें से
को लिखकर अंकुरित करना है उसको, तो ये होता है एक ऐसे फिल्मोग्राफर दैट इज योर चैलेंज. एंड एज इट ग्रोज एज इट ग्रोज वो आप देखते हैं कि थोड़ा बनने के बाद 5-7 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का भी कुछ बनता है ना, तो धीरे धीरे शक्ल लेनी शुरू कर देता है, खुद भी खुद चलने लगता है, वो रास्ता दिखाना शुरू कर देता है आपको, तब आप नहीं उसको रास्ता दिखाते हो, तो कॉम्पोजिशन आपको ले जाती है आप अगर आप जुड़े रहें. तो ये बीज है सबसे इम्पोर्टेंट बात. हर व्यक्ति हर नृत्य करने वाले को इस बीज की जरूरत है जिससे वो अपने हृदय के अंदर से अलग अलग भावनाएं विचार स्टोरीज आप पढ़ते हैं, इतनी स्टोरीज पढ़ते हैं कि डांसर के लिए लोग सोचते हैं कि डांसर को कुछ नहीं करना पड़ता, सुबह पढ़ना पड़ता है. तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए. शैली की अपनी एक ट्रैक है, हमारा भी एक ट्रैक है, तो हम उस ट्रैक पे बच्चे को लाने की कोशिश करते हैं. और हमारा ट्रैक दो भंगी भंगी से बहुत मजबूत बनता है. अच्छा. एक है चौक, दूसरा है भिरहुरी. अच्छा. जिस बच्चे ने इनको सही कर लिया, इसके टेक्निक को पकड़ लिया, वो बढ़ता है आगे. फिर तो उसका पैर भी चलना शुरू हो जाता है, शरीर भी चलना शुरू हो जाता है, आँख बाएँ उन सब. लेकिन वो जैसे आपकी आप कह रहे ना दिन दिन ना दिन दिन ना ना दिन दिन कराते हैं ना, तो वो ट्रैक है आपका. आप पहले ही आते बच्चे को नहीं कहते घुमा सी है ना, कुछ करेंगे ना जिससे आप एक रास्ता बनाए कि गाड़ी चले. गाड़ी को पटरी पर चलाने हैं पहले, तो पटरी पर आते हैं चाहे वो बच्चा इतना हो चाहे वो इतना हो चाहे वो इतना पटरी पर सबके लिए जरूरी. तो वो चौक और तीन बंदी की पटरी जिसको मिल जाती है ना, तो वो दौड़ता है, उसकी रेलगाड़ी चल पड़ती है. मुझे एक और मेरे मन में बात थी कि जैसे टाइम जो है वो बदलता ही है, हर विधा के साथ ऐसा होता है, तो उड़ीसी में आप इस स्तर पर जब हैं तो आप क्या देखते हैं कि आगे के लिए उड़ीसी की क्या चीज़ें जरूरी हैं जो इन्वॉल्व होके वो होके आगे की तरफ आनी चाहिए. जो मैं सोचती हूँ हो सकता है दूसरे उड़ीसी गुरु ऐसा ना सोच. मैं पारंपरिक चीज़ों की ट्रेडिशनल चीज़ों की बहुत इज्जत करती हूँ और उनको बहुत सम्मान देती हूँ. हम लोग जब नृत्य में आए, जब हम शुरू में सीखने आए, उस वक्त पर उड़ीसी नृत्य बन चुका था काफ़ी हद तक, मतलब उसको 20 साल हो गए थे, 20-25 साल, लेकिन वो फैलाव नहीं आ रहा था. हालांकि मेरे ख्याल से फैलाव भी आ चुका था मेरे गुरु जी के साथ, तो मैंने देखा कि उन्होंने बहुत कुछ बना लिया, बहुत सारी कंपोजिशंस उनकी हैं. 45 ईयर्स हो गए थे, बहुत बदल गया. कतर भी बदला है ऐसे. तो बदलाव तो आता ही है वो, लेकिन अच्छा बदलाव आए तो खुशी होती है. और अगर बदलाव आपको दूसरी तरफ ले जाए जो उसकी मैंने कहा मेरी कमजोरी क्या है, बहुत कमजोरी है आपकी, कमजोरी है
ताकत तो कुछ रही नहीं। ये पूछो आपकी ताकत क्या है। तो वो बदलाव अभी जो देख रहे हैं, क्योंकि हमने एक बहुत सुंदर इसका रूप देखा है उन गुरुओं से, और विभूषण के विचरण माता का कि मेरे अपने गुरु जी पद्मश्री माया राम, उसके बाद दीपक प्रसाद दास जी का नाम भी हमने देखा, फिर हमने इनका आदि गुरु उनका ही है। ये सारे जो आए हैं ना, मैंने जिनके पहले नाम ले लिए हैं, उनका जिनका नाम बाद में लिया, सबसे पुराने वही हैं। सबसे पहले उन्होंने, सबसे पहले गुरु वही थे जिन्होंने फॉर्मेट भी दिया, जिन्होंने उसकी कॉम्पोजिशन बनाए। फर्स्ट गुरु और वो पूरी में रहते थे, और उनका जन्म का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको एक फैमिली में उनके महारी थी, महारी देवदासी मंदिरों में मिलने वाली, उस परिवार में वो पले बड़े, तो बचपन से ही उस माहौल को देखा कि नृत्य क्या है और पारंपरिक नृत्य क्या है। जो जितना अच्छी पकड़ उनकी थी ना इस समझ की कि क्या होता है मंदिरों के नृत्य में, और किसी की नहीं थी, और उन्होंने ही इसको पास डाउन किया। हमारे गुरु जी तो उनको बहुत मानते थे, तिलुवा बाबू का मुझे नहीं इतना मालूम, लेकिन मायादेव जी बहुत मानते थे, तिलुवा बाबू भी बहुत मानते थे। हाँ, क्योंकि उन्हीं के इन्होंने दिखाए मार्गदर्शन पर ये सब चले, और वहीं से ये आगे बढ़े। और तो ये वो जो था बहुत दालित्य, एक्सट्रीमली ग्रेसफुल। आपने वृत्तियों का पढ़ा होगा, तो कैशिकी वृत्ति है उड़ीसी की, उस कैशिकी वृत्ति को उन्होंने बड़ा संभाल के रखा। आज कैशिकी नहीं है, आज तो युद्ध वाली वृत्ति आ गई है उड़ीसी में, तो वो बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि उसकी विशेषता ही कि वो बहुत सुंदर लालित्य ग्रेसफुल लिरिकल नाम ही उसका इतना उसी में से लालित्य झलकता है। मुझे लगा कि शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, तो
जो दिख रहा है आज वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो कुछ लोग मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि अभी एक म्यूजिशियन, बड़े सीनियर म्यूजिशियन है, उन्होंने कमेंट किया, वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट, मुझे केविन ने बताया कि अगर ट्रेडिशनल ओडिसी अगर कहीं बचा है भारत में तो दिल्ली है, उड़ीसा में नहीं रहा, राइट? दिल्ली की गुरु लोग जैसे मैं हूँ, माधुरी जी हैं, किरण सहगल है, ये लोग जो है ना, ये पारंपरिक चीज़ को अभी भी पकड़े हुए हैं और नहीं इसको निकलने दे रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। लेकिन बाकी सब लोग, अब जो यंगर जनरेशन आ रही है टीचर्स की, जो 40 की उम्र में है, 40-45, फिर लेस देन 50, वो लोग इसकी रूपरेखा भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उड़ीसा जा जा के सीख के आते हैं, यहाँ आ जाते हैं तो थोड़ा 2-3 साल की ट्रेनिंग में दिल्ली आ जाते हैं, दिल्ली में सोचते हैं किसी को कुछ नहीं पता लगता, जो मर्जी करो, ऐसा नहीं, पर उनको पता लगता है कि हम लोग भी बैठे हैं जिन्होंने 10-15 साल में गुरु के साथ ही बिताए। और हमने वर्कशॉप वाले आर्टिस्ट नहीं है, बहुत सारे ओडिसी की जो बहुत विकार आया है वो है वर्कशॉप। और कुछ स्टूडेंट्स ओडिसी के ऐसे गुरु बन गए स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ वर्कशॉप में ही सीखा। आप कितनी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो और गुरु भी जरा अलग अलग जगह जा रहा है सिखाने, कभी कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, आप क्या कहोगे? उसकी डेप्थ में तो जा ही नहीं सकता जम के जब तक नहीं सीखोगे। अब आप गुरु जी के साथ कितने साल बिताए? 15 साल। चाहिए, जरूरी है। और एक ही के पास, आप 10 गुरु के पास नहीं होंगे। तो ये थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है अब मुझे, बहुत दिख रही है, जो मुझे तकलीफ देती है। भविष्य तो क्या पता, भविष्य तो इनके ऊपर है, ये लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, हम तो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम तो कहते हैं लो भैया जितना लेना है ले लो, जो हमारे पास है सब तुम्हारा है, लेकिन उसको ग्रहण करना, ग्रहण करो, संभालो, ग्रहण करो, संभाल के चलो, उसके ऊपर और सुंदर बनाओ उसको, ये आपका काम। एक है हमारा
इनपुट हमारे पास ये है लेकिन कुछ मात्रा में फिर हमारा झंपा ताल है त्रिकुटा है सात मात्रा वो है जति ताल मैंने बताया था घुमा की तरह वो भी चौदह मात्रा में है फिर आदि ताल है सोलह मात्रा में लेकिन आठ आठ के विषय में और तिस जाति का तो है इतना प्यारा है उसका कान में मिठास आता है ना और चार भी लगता है और तीन भी लगा लेकिन काम चीजें अच्छा इसमें ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग उड़ीसे की परंपरा में है पौड़ी पौड़ी बोलते जिनमें झूला झुंपा भरपटा वो अद्भुत बहुत तीव्र गति में चलता है तो किसी भी कंपोजिशन में आप बीच में ये चीज ले आ सकते तो ये आ जाती है चीज तेज उसके अंदर तीव्र गति आ जाती है और वो भी फिर उसमें भी आ जाती है मध्यलय में भी आ जाता है तो उसमें भी जाता है बिल्कुल चौगुण में भी जाता है और ये पापटा झूला झंपा लेने के लिए ये जाता ही उसमें है चार नहीं है किससे भी आता है उसमें लेकिन अधिकतर तो वो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ प्लेइंग एंड यू कैन ऐड एक कंपोजिशन में उसको आप कहीं डाल भी सकते हैं किसी लिरिक्स में करते करते आपने लिरिक को एक लय में चार मात्रा में है उसको आप पापटा और झूला झंपा में ले रहे हैं पापटा उसको पापटा कहते हैं पूरे लिरिक को पापटा सॉरी पौड़ी कहते हैं पूरी यूनिट को तो उसमें ले जा सकते हैं फिर आप वापस आ सकते हैं तो ये खेल होता है लय का खेल तो देखिए हर जगह होगा जहाँ संगीत होगा लय का खेल आएगा लेकिन हम उसको थोड़े कंट्रोल वे में चल पा सकते हैं क्यों क्योंकि ये भंगी प्रधान नृत्य है इसलिए भंगी के ऊपर ज़्यादा जोर है मैंने गुरु जी के साथ काफ़ी छोटी उम्र से मैं क्लास थ्री में थी जब ज्वाइन किया था गुरु जी को तो आई मस्ट हैव बीन सेवन इयर्स एंड आई हैड द ऑनर एंड आई एम ब्लेस्ड दैट अभी तक गुरु जी के साथ ट्रेनिंग मुझे मिल रही है और जब आप 10-15 साल से ऊपर एक गुरु के सानिध्य में निकालते हैं तो आप समझ पाते हैं गुरु जी का कैसा है तो वही फिर आगे डिलीवर होती है वही होती है वही सिखाने का फिर उसी को सिखा रहे हैं आप खुद का सिखा रहे हैं गुरु जी को दिया हुआ जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं उनको शायद मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल हो गए ना यही गुरु जी की कहानी पूरी पुरानी I was learning Kuchipuri पहले मुझे पहले बताओ ना तुम कहाँ से हो I was learning Kuchipuri in West Indies Trinidad and Tobago and Odissi was there but I couldn't learn it one guru was very far away and the other guru was not teaching boys so my friends were learning Kuchipuri so I taught just to dance I learned Kuchipuri I used to tell my parents I'm going to tuition but it was actually dance class तो ऐसे करते थे वो तो happened for I think maybe 6.5 years and then one ICCR Odissi tour had come and I saw that love I had for Odissi just blossom again but हमको नहीं पता दैट यू कैन मेक डांस अ करियर हमको लग रहा है ये एक्स्ट्रा पेटला करती है मजाक में फिर व्हेन शी एक्सप्लेन हाउ यू कैन मेक डांस एंड अ करियर आई लेफ्ट कॉलेज आई वाज इन सेकंड ईयर एंड आई वेंट स्ट्रेट टू भुवनेश्वर
बट भुवनेश्वर आई वॉज देयर आई वॉज लर्निंग बट कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा. मतलब आई वॉन्टेड अ गुरु. आई डिडंट जस्ट वॉन्ट टू लर्न आइटम्स. आइटम में क्या है, मीनिंग में क्या है, डांस में क्या है, दैट आई वॉज नॉट गेटिंग. सो आई वॉज लिटिल बिट डिप्रेस्ड. देन मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, he showed me ma'am's profile online. So when I saw ma'am's profile, I was like, yeah, this is where I have to come. So I unfortunately had an accident, so I went home and I came back, but at that time I was a very different person. So when I came to Delhi, actually it's 11 years now in Delhi. When I came to Delhi, I was very messy and unorganized, and the first day itself I got to scolding from ma'am. And I knew this is this where. Is all he remembers. वो ये बात नहीं भूलता, मतलब ये इस चीज को वो मुझे भी नहीं भूलने देता जिसने मुझे पहले दिन बिगाड़ दिया. तो मैंने कहा तुम हो गए इस टाइम, मैंने कोई प्लान हो गया कि मेरे गांठ में. What was that? What Guruji said to you? Actually, like I said, I was very unorganized. So पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया दैट एग्जैक्ट व्हेन आई एम कमिंग. सो लिटिल मिक्सअप हैपन फ्रॉम माय साइड. सो यू नो गुरुज हैव देयर शेड्यूल एंड क्लासेस एंड व्हाट नॉट. सो आई लैंडेड अप देयर ऑन लिटिल यू कैन से अनअनाउंस्ड. तो ऐसे हुआ एंड आई वाज वेरी क्वाइट. आई कुडंट अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स. ये भी बता देना, 3 महीने बैठ के, 3 महीने इस लड़के ने बैठ के साइलेंस सिर्फ देखना, कुछ नहीं करते. जिंदा कुछ शायद याद है कि नहीं, मैंने कहा जिंदा इसके साथ में क्या करूँ, ये तो बैठ के सिर्फ देखता रहता, करता ही नहीं कुछ. और अब ये ऐसा है कि ये रुकता ही नहीं है. वाले इंसान के अंदर होना चाहिए एंथुसियाज्म की बात करते हैं. वो जब तक ये बच्चे वो मुझे फीलिंग नहीं देंगे कि हम करेंगे करेंगे, जस्ट लेट्स डू इट. मैं ना भी चाहूँ तो कि नहीं हम करेंगे, अभी रुकते हैं, ये क्यों उठ रहे हैं, कैसे बच्चे चाहिए, ये उत्साह चाहिए.